लोगों उस अजाब से बचो जो सिर्फ जालिमों पर नहीं आएगा, जो लोग नमाज वगैरह के पाबंद थे उन पर भी मुसीबत आएगी। सबको पकड़ के मारेंगे, पूछेंगे नहीं तुम नमाज पढ़ते थे क्या, तुम फलां थे क्या, तुम अहले हदीस हो क्या, हनफी हो क्या, शिया हो क्या, देवबंद, कोई नहीं पूछेगा जी। तुम्हारी निशानी उनके लिए काफ़ी है, लिबास देखकर पहचान लेंगे, तुम्हारी दाढ़ी देखकर पहचान लेंगे, अजीब व गरीब शक्ल व सूरत कहेंगे ये अजीब व गरीब है, कैसी शक्ल, दाढ़ी दाढ़ी के रखा है, कपड़ा ऐसा पहनता है, कितनी मुसीबतें जी क्या क्या आने वाली हैं। लेकिन हमको चाहिए कि इसी सूरत में अल्लाह को राज़ी कर, क्यों ये मुसीबतें आती हैं, अल्लाह नाराज़ होता है ऐसी मुसीबतें आती हैं। जब सहाबा वगैरह को जो मुसीबतें आईं उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए, उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए, अम्बिया किराम पर जो मुसीबतें आईं वो भी उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए आई थी, गुनाह की वजह से नहीं है। हमारी जो मुसीबत आती है वो हमारे गुनाहों की वजह से आती है, इसलिए मरेंगे भी तो जहन्नम को जाएंगे, जन्नत को नहीं जाएंगे। ये जो नेक थे, सहाबा इकराम थे, अम्बिया इकराम थे, अगर वो इस तरह सताए गए, मारे गए और उनको चीरा गया, उनको कत्ल किया गया, रूह इधर निकली और जन्नत को पहुंची, शहीद का मर्तबा उनको मिलेगा। लेकिन हम जो गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, हमको मर्तबा नहीं मिलेगा। इसलिए आदमी को चाहिए कि साहब अपने दीन की हिफाजत की फिक्र करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें हमको बताई हैं, आइंदा ऐसा होगा, आइंदा ऐसा होगा, वो सब देखते हैं तो मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल खड़े होकर बता रहे हैं, देखो मैं बोला था ना, देखो मैं बोला था ना। वही सी मुसीबतों का जिक्र हमको हदीस में बहुत मिलता है, उनमें से एक हदीस मैंने 5 मुसीबतों का जिक्र किया। ये जब मुसीबतें आएंगी तो फिर तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा, ख़ासकर जब तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहद को तोड़ दोगे, ना नमाज़ पढ़ते, ना रोज़ा रखते, ना ज़कात देते, ना नाप तोल में बराबर करते। ऐसी सूरत में जालिमों को अल्लाह मुसल्लत करेगा, तुम्हारे पैसों को छीन लेंगे। और वही हो रहा है।